आज है नॉइस बर्ड्स 104 सिंपल सा प्रोडक्ट है, ज्यादा फीचर्स इन्होंने प्रोवाइड नहीं कर रखा है। मैंने 1000 का खरीदा, फर्स्ट डे ही मैंने खरीद लिया था और अभी इसका प्राइस हो गया अप्रोक्स 1700 रुपीस। ब्लूटूथ 5.2 है तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, एएससी ब्लूटूथ कोड भी सपोर्ट करता है, जिस वजह से साउंड एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। 30 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा कि एक्चुअल में कितने आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और हाइपरसिंक टेक्नोलॉजी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसके हेल्प से जैसे आप केस को खोलोगे ये आपके फोन के साथ ऑटोमेटिक पेयर अप हो जाएगा। आपको फर्स्ट टाइम एक बार ही आपको पेयर अप करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक होगा केस खोलने के बाद, और बर्ड्स को अंदर रखने के बाद जैसे आप केस को बंद करोगे ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो इसका ये चीज बेस्ट लगा। साथ ही में यहाँ पर आपको 13 mm का लार्ज ड्राइवर देखने को मिल रहा है फॉर बेटर बेस, और इसके माइक में आपको ENC नॉइस कैंसिलेशन का फीचर्स मिसिंग देखने को मिल रहा है। साथ ही में इसमें आपको कोई भी लो लेटेंसी का फीचर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम एक लो लेटेंसी टेस्ट करके देखेंगे। और इसमें आपको IPX5 का वाटर रेटिंग भी देखने को मिल रहा है, सो वाटर टेस्ट करके भी देखेंगे सर्वाइव करता है या डेड हो जाता है। पहले देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, बाकी की बातें बाद में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्रोडक्ट पसंद आए तो अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और बॉक्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखता है, और पीछे ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इन्होंने प्रिंट कर रखा है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और इसके अंदर ही मुझे कुछ पेपर वर्क देखने को मिला, ये है यूजर मैनुअल जिसमें कुछ खास इन्फो नहीं है, साइड रखते हैं इसे। और ये है नॉइस का स्टिकर, और ये है रीसेट गाइड, इसकी क्या जरूरत। और यहाँ पर आपको एक बारकोड देखने को मिल रहा है, इसे स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है। नॉइस आपको 1 ईयर का वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही में यहाँ पर आपको 5 कलर्स का 8 टिप्स देखने को मिल रहा है। सो ये काफी अच्छा है, 5 डिफरेंट कलर के। और यह चार्जिंग केबल छोटा सा, कोई काम का नहीं है। और अभी एक क्लोज लुक केस की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हो केस का लुक बहुत ही अच्छा है, एक प्रीमियम और एक रिच लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। और केस के ऊपर आपको नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नीचे आपको 4 LED देखने को मिल जाएगा, जो कि ये इंडिकेट करता है कि केस में कितना चार्ज बचा है। बर्ड्स को चार्ज करते वक्त शो करेगा कि कितना परसेंट चार्ज बचा है केस में, और केस को चार्ज करते वक्त भी शो करेगा कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है केस में। केस का चार्ज फुल हो चुका होगा तो चारों LEDs व्हाइट हो जाएंगे। और नीचे के साइड आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है। सो ऑल ओवर आप देख सकते हो केस का लुक बहुत मस्त है, मैट व्हाइट कलर का फिनिश आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, हाथों में पकड़ने से काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो काफी अच्छा डिजाइन बनाया है, जिस वजह से आप इसे जींस के साइड वाले पॉकेट में इजीली रख सकते हो, परफेक्ट शेप है इसका जींस के साइड पॉकेट में रखने के लिए। सो यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है, और 1 हैंड यूजेबल भी है ये प्रोडक्ट। आप देख सकते हो आप एक हाथ से खोल सकते हो, बर्ड्स निकाल सकते हो, बर्ड्स रख सकते हो। और अब ये क्लोज लुक इसके बर्ड्स की तरफ, और इसके बर्ड्स का लुक भी काफी अच्छा है, और ऊपर के साइड इन्होंने प्लेन सरफेस रखा है ताकि टच करने में काफी ज्यादा हो और इसका टच फंक्शन ठीक से काम करे, आप देख सकते हो। और नीचे इन्होंने नॉइस के ब्रांडिंग को भी प्रिंट कर रखा है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो बर्ड्स का लुक काफी अच्छा है, बहुत मस्त लग रहा है देखने में, एक रिच लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शन के बारे में बात करें तो डबल टैप से आप कॉल पिक कर सकते हो, कॉल एंड कर सकते हो, साथ ही में आप सॉन्ग प्ले या सॉन्ग पॉज कर सकते हो। कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको 2 सेकंड टच एंड होल्ड करना है। वॉइस असिस्ट ऑन करने के लिए आपको ट्रिपल टैप करना पड़ेगा दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आपको 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस करना है राइट बर्ड्स पे। प्रीवियस सॉन्ग के लिए आपको 2 सेकंड लॉन्ग प्रेस करना है लेफ्ट बर्ड्स पे। और वॉल्यूम अप डाउन का कॉलिंग के लिए और म्यूजिक के लिए इन्होंने अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है। म्यूजिक के टाइम राइट बर्ड्स पे अगर आप सिंगल टैप करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेफ्ट बर्ड्स पे सिंगल टैप करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और कॉलिंग के टाइम अगर आप राइट बर्ड्स पे लॉन्ग प्रेस करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और अगर आप लेफ्ट बर्ड्स पे लॉन्ग प्रेस करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और अभी आप केस का वेट देख सकते हो 42 ग्राम, और इसके बर्ड्स का वेट है ओनली 4 ग्राम ईच, जो की लाइट वेट ही है। और अगर इसके फील एंड कम्फर्ट के बारे में बात करें तो फील एंड कम्फर्ट तो काफी अच्छा है, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल कंटिन्यू 4 घंटे तक किया था, तो 4 घंटे तक इस्तेमाल करने के बाद मुझे कानों में थोड़ा सा पेन यहाँ पे महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपको 13 mm का लार्ज ड्राइवर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इसका जो ऊपर का जो पार्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है, जिस वजह से कानों में मुझे थोड़ा सा पेन यहाँ पे महसूस हो रहा है कंटिन्यूस 4 घंटा यूज करने के बाद। लेकिन काफी टाइट तरीके से आपके कानों में ये फिट बैठता है, इसीलिए आपके कानों से गिरेगा नहीं। आप इसे पहन के जिम वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन अगर आप रनिंग करोगे तब जरूर आपके कानों से गिर जाएगा। सो ये सही है, लेकिन पूरा दिन यूज करने के लिए उतना परफेक्ट नहीं है। और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसका वोकल्स काफी ज्यादा लाउड एंड क्लियर तो है, लेकिन आवाज थोड़ा सा दबा दबा सा आता है, जैसा रियल आवाज है वैसा साउंड ये आपको डिलीवर नहीं करेगा। आवाज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है इन्होंने, आवाज को थोड़ा सा सॉफ्ट बना रखा है। और अगर ट्रिबल छनकार के बारे में बात करें तो ट्रिबल छनकार काफी अच्छा है, कानों में छनछन सा मारता है, सुनने में बहुत मजा आता है। और अगर बेस के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा हाई बूम पंची बेस आपको ये प्रोड्यूस करके दे रहा है। बेस का क्वालिटी बेस्ट लगा, कानों में ऐसा बूम बूम सा मारता है, सुनने में बहुत मजा आता है। सो इसका बेस बेस्ट है, सो अगर आप बेस लवर हो तब तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वोकल्स धीरे सुनाई देगा और बेस ऐसा कानों में बूम बूम सा मारता है। सो अगर आप म्यूजिक के दीवाने हो तब आपके लिए परफेक्ट है, आप इसे खरीद सकते हो। और हाँ, 80% वॉल्यूम में इसका आवाज बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, वोकल्स खराब हो जाता है और ट्रिबल कानों में बहुत ज्यादा चुभने लगता है, लेकिन बेस का क्लैरिटी खराब नहीं होता है, बेस वैसे ही रहता है जैसे पहले था। और आप सुन सकते हो इसके अंदर का बर्ड्स बजता है।
सो ये चीज मुझे इसका पसंद नहीं आया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नॉइस बर्ड्स 104 है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक परफॉर्मेंस, कैसा ये आवाज को पकड़ता है नहीं पकड़ता है। और इसमें आपको ईएनसी नॉइस कैंसिलेशन का फीचर तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम नॉइस कैंसिलेशन टेस्ट करेंगे इस पे। और ये है मेरे पास हेड डायोड जो कि काफी ज्यादा नॉइसी है, और इस नॉइस में सुनो आप कि कैसा ये आवाज को पकड़ रहा है, आवाज को ठीक से पकड़ पा रहा है या नहीं। तो ये था इसका नॉइस परफॉर्मेंस, आप सुन सकते हो कैसा आवाज पकड़ रहा है, और कुछ बोलने को नहीं है भाई, कैसा आवाज पकड़ रहा है और कुछ बोलने को नहीं है भाई। So, जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस सुपर्ब है, आवाज को बहुत ही ज्यादा लाउड तरीके से ग्रैब कर रहा है, और साथ ही में नॉइस कैंसिलेशन भी काफी अच्छा है, आउटडोर यूज करने के लिए बेस्ट है, आप इसे खरीद सकते हो बेझिझक बिंदास। और इसका बर्ड्स मुझे 4 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है 80% वॉल्यूम में, और इसके केस में है 400 mAh का बैटरी, जिसके हेल्प से आप इसके बर्ड्स को सिर्फ 2.5 टाइम ही चार्ज कर पाओगे। सो 4 4 4 4 + 2 तो 14 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड करेगा 80% वॉल्यूम में, और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 90 मिनट 10 वाट चार्जर से। और ब्रांड बोलती है 10 वाट चार्जर का इस्तेमाल करो, बाकी मर्जी है आपकी, आप चाहो तो 10 वाट का यूज कर सकते हो या फिर उसके ऊपर का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हीट अप होता है तो आपको 10 वाट का ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अभी एक लो लेटेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि बर्ड से मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप ये देखो कि अंगूठा नीचे रहते आवाज आता है या अंगूठा ऊपर आने के बाद आवाज आता है। सो जैसे कि आपने देखा कि इसका साउंड का डिले काफी ज्यादा है, सो आप इसमें गेमिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन आप मूवी सीरीज यूट्यूब वीडियो देखो आपको साउंड का डिले महसूस नहीं होगा, लेकिन गेमिंग के टाइम नहीं, गेमिंग के टाइम आपको काफी ज्यादा साउंड का डिले महसूस होगा। सो चलिए अभी इस पे एक वाटर टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, साउंड चला देता हूं। तो 40 सेकंड्स हो चुका है, अभी देखते हैं। आप देख सकते हो कि डिस्कनेक्ट हो गया मेरे फोन के साथ, कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। ऑन हो चुका होगा शायद, ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं हुआ। आप देख सकते हो कि कनेक्ट हो चुका है, देखते हैं सॉन्ग चलता है क्या। सो दोस्तों बर्ड्स के ऊपर है सेंसर, और अगर आप 5 सेकंड टच एंड होल्ड करोगे तो हो जाएगा ये ऑफ, इसलिए मैंने इसे पानी में डाला तो इसने पानी को ऑब्जेक्ट समझ लिया और ये हो गया ऑफ। सो जैसे कि आपने देखा कि इसने मेरा वाटर टेस्ट तो सरवाइव कर लिया है, क्योंकि मैंने जो वाटर टेस्ट किया इसमें कोई भी वाटर प्रेशर नहीं था, इसलिए सरवाइव कर लिया। सो दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल में नहीं करना है, और ना ही शावर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल बारिश में या फिर जिम में आप इसका इस्तेमाल करो कुछ नहीं होगा, लेकिन पानी में डुबोना नहीं है आपको इसे, क्योंकि अगर आप बाल्टी में भी इसे डुबाते हो तो वहां पर भी वाटर प्रेशर होता है तो ये खराब हो सकता है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।